नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश गोस्वामी और प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक आज हम बात करेंगे प्राइम टाइम में कोरोना वायरस की कॉन्स्पिरेंसी थियरी। हाँ जी, आपने बहुत सारी थियरियां सुनी होगी, बहुत सारी लोकवाय की सुने होंगे आपने कि ये क्या हो रहा है देश में, कोरोना आया कहाँ से, चीन लाया, ये लाया, वो लाया, चमगादड़ खा लिया, ये खा लिया। आज हमारे हाथ एक ऐसी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी लगी है कि आप सुन के पागल हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप खुद खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग खड़ा हो जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे खास मेहमान जो इस कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी के बारे में आज हम सबको बताएंगे। प्लीज स्वागत कीजिए गालिब मिश्रा का। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। गूगल्स निकाल लीजिए, मुशायरा नहीं। ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ तो गालिब मिश्रा जी, आज हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेंसी थियरी कोरोना की, कि कोरोना कैसे आया। बताइए आप, आपके पास कोई कॉन्स्पिरेंसी थियरी है? हमें पता चला है सूत्रों के हिसाब से, तो आप कौन सी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको यहाँ पे बुलाने के लिए। और देखिए, हमारा पेशा तो शायरी है, तो हम ये जो कॉन्स्पिरेंसी थियरी है वो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। और माफ़ कीजिएगा, हम शायरी में कभी गाली बोले नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बार बोलेंगे, तो कृपया हेडफोन लगा लीजिए। हैं तो भाई, बात कुछ ऐसे है, ये पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं गाली का, देखना ध्यान से गौर कीजिएगा कि भाई, महलों में रहने वाले भाव क्या जानेंगे झोपड़ी के, इरशाद इरशाद, महलों में रहने वाले भाव क्या जानेंगे झोपड़ी के, मंचूरियन कम पड़ गया था तो चमगादड़ खा गए भोसड़े के। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, तो लेकिन हमारे पास जो आई है थियरी बड़ी ही दिलचस्प है। और हम ये भी बताना चाहते हैं साथ में कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, ये हमारे किसी लल्लन मियां ने हमको नहीं बताई है। तो बात शुरू ऐसे होती है, मुद्दे पे आते हैं सीधा, कि भैया ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील, हाँ, जनता से सीधा बात करता है। तो भैया बात ऐसे कि जो ब्राज़ील है, वो ब्राज़ील के पहाड़, एक बहुत जंगल है बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसके जंगल में एक ट्राइब रहता है, ट्राइब समझते हैं ना, जो लोग रहते हैं, तो वो लोग है, वो आदमखोर है। अब वहाँ पे निकल आया है ऑयल, हाँ, जैसे वो अरब कंट्रीज में मिलता है ना ऑयल, वैसे वहाँ निकल आया है। अब जो बाकी के बड़े बड़े जो देश है, चाइना हो गया, अमरीका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो सब वहाँ पर ऑयल निकालिए, अपने अपने इंजीनियर भेजे, साले वो है आदमखोर, तो वो साले उनके इंजीनियर को मार मार के खा जाते हैं। अब भैया ये लोग सोच में पड़ेगा कि ऑयल एक्सट्रक्शन कैसे करें, निकाले कैसे ऑयल वहां से। उन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने बड़े बड़े अफसर भेजे वहां पे ट्राइब में, और वहां का जो सरदार है उनसे मीटिंग किया। तो उनको जो सरदार ने बोला कि देखो भैया, आप ऑयल ले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमको खाने के लिए बंदे चाहिए, आदमी भेजो तुम, तो हम तुम्हारे इंजीनियर को नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे भाई उनको। तो फिर ये सब जो बड़ी बड़ी कंट्रियां है, उन्होंने मिलके ये कोरोना वायरस बनाया, ताकि बंदे बल्क में मरे और ये बल्क में वहां पे बॉडियां भेजे, ठीक है, और वो वहां से ऑयल निकाले। अब भैया ये है, अब आप बोलोगे भाई इंडिया में, इंडिया वालों ने क्यों नहीं किया? अरे भाई इंडिया में देखो, सबसे जो ज्यादा लोग रहते हैं वो अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक है, बॉडी को जलाते हैं, तो उनका वो दाव है, वो कम पड़ गया वहां पे, तो उन्होंने इंडिया वालों को नहीं रखा इसमें, बाकी सारी कंट्रिया बनाया उन लोगों ने कोरोना वायरस। और ये बंदे जो मर रहे हैं, तुमको लगता है कि जमीन में गाड़ रहे भैया, जा रहे ब्राजील, समझे, तो मास्क पहनिए, वरना किसी का डिनर बन जाएगा, मास्क पहन, बड़ी थियरी है भाई। तो सुना अपने दोस्तों कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी थियरी है, जिस कॉन्स्पिरेंसी थियरी के बारे में आज तक हमने नहीं सुना था, शायद आपने सुना होगा, लेकिन आप लोगों तक ये बात पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमने पहुँचा दिया। इस पर आप बिलीव करें या ना करें, ये आपको तय करना है।
हमारी हैशटैग कोरोना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आप अपने ट्वीट बता सकते हैं, आप अपने व्यूज बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। और हाँ, वो जो लाल बटन दिख रहा है ना वहाँ, हाँ वही दबा दीजिए वो लाल बटन और बता दीजिए कि कोरोना हम तुमको हराएंगे, बता दीजिए, ठीक है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी याद जरूर रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बड़ा ही एक मुद्दा था, किसी को पता नहीं था, कोई बोल रहा था ये, कोई बोल रहा था, लेकिन खालिद मिश्रा जी ने आज हमें बताया है, सनसनीखेज खबर है दोस्तों, फैला दीजिए इसको कोरोना की तरह, ये वीडियो को फैला दीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे ऐसे ही, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, तो तुरंत अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।